हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आईएएस और आईपीएस का एग्जाम होता है वह हिंदी में होता है कि इंग्लिश में होता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमसे बहुत से स्टूडेंट यह क्वेश्चन कर रहे थे कि सर हमको बताइए कि जो आईएएस और आईपीएस का एग्जाम होता है वह हिंदी में होता है कि इंग्लिश में होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप आईएएस या आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरा डिटेल से आपको बताएंगे कि आपका एग्जाम किस लैंग्वेज में होगा, इंटरव्यू किस लैंग्वेज में होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि जो आईएएस और आईपीएस का एग्जाम होता है वह हिंदी में होता है कि इंग्लिश में होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से पढ़ाई किए होते हैं उनकी हिंदी ज्यादा अच्छी होती है, इंग्लिश में थोड़ा वह कमजोर होते हैं। वहीं पर जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किए रहते हैं उनकी इंग्लिश थोड़ा ज्यादा अच्छी रहती है और हिंदी में थोड़ा कमजोर होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए जो है कि जो आईएएस और पीसीएस का एग्जाम होता है वो दोनों लैंग्वेज में होता है। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे तो इसको हिंदी में भी दे सकते हैं, चाहे तो इंग्लिश में भी दे सकते हैं। इसमें कोई भी बंधन नहीं रहता है कि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको हिंदी में ही पेपर देना है, या इंग्लिश मीडियम से आप हैं तो आपको इंग्लिश में ही पेपर देना है। आप किसी भी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं। आप जो लैंग्वेज पेपर देते वक्त चूज करेंगे उस लैंग्वेज के हिसाब से आपका पेपर चेक किया जाएगा। जब फ्रेंड्स आप आईएएस पीसीएस का पेपर देने जाएंगे तो वहां पर शुरू में ही आपकी लैंग्वेज चूज करने के लिए ऑप्शन दिया रहता है, उसमें से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। जो लैंग्वेज आपको आसान लगती है, हिंदी आसान लगती है तो हिंदी चूज कर लीजिए, इंग्लिश आसान लगती है तो इंग्लिश चूज कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आप बेफिक्र हो जाइए, आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम में पेपर दे सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम में पेपर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जिस भी लैंग्वेज को चूज करेंगे उस लैंग्वेज में आपको पेपर देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो आईएएस और आईपीएस का इंटरव्यू होता है वह इंग्लिश में होता है कि हिंदी में होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो आईएएस और आईपीएस का इंटरव्यू होता है वह आपका इंग्लिश में भी होता है और हिंदी में भी होता है। वह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज चूज कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका इंटरव्यू दोनों लैंग्वेज में होता है। आप जो लैंग्वेज चूज करेंगे उसी लैंग्वेज में आपका पेपर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसलिए बेफिक्र हो जाइए। अगर आपको हिंदी बहुत ही अच्छे से आती है तब आप हिंदी चूज करिएगा, अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छे आती है तो आप इंग्लिश चूज करिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आईएएस और आईपीएस का एग्जाम हिंदी में होता है कि इंग्लिश में होता है, इंटरव्यू किस लैंग्वेज में होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।